पॉलीपेप्टाइड तो खुद ही कॉम्प्लेक्स टाइप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो ये किसी और के साथ जोड़ेगा तो मतलब सेंस नहीं बनती ना नाम जोड़ने की, नाम ही जोड़ रहे हैं तो ये नहीं बनेगा। पेप्टाइड के साथ क्या बनाओगे? शुगर पेप्टाइड। पेप्टाइड ग्लिसराइड। करीब करीब लिक्विड इस्तेमाल होता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं आपको सबका बता देता हूँ। पेप्टाइडोग्लाइकेन और बुक के अंदर आप देखेंगे तो इसका शायद दूसरा वर्ड भी आपको मिल जाए, अल्टरनेटिव वर्ड जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों के कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। ये मैंने आपको बता दिया क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन भी होते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी होती है, भी होता है तो वो मिलकर यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है? लिपोप्रोटीन बनते हैं। लिपोप्रोटीन का इस्तेमाल होता है, लिपोप्रोटीन का इस्तेमाल होता है ब्रेन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इसका एक मेन पॉइंट है, लिपोप्रोटीन यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं? ये पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा एंटीजन जो होती है इम्यून सेल्स के लिए, एंटीजन एक चीज़ होती है जो कि बॉडी का एक बॉडी के अंदर इम्यून एक्शन को स्टार्ट अप करती है। ठीक है, बढ़ाती नहीं है, स्टार्ट करवाती है। तो वो जो एंटीजन होती है वो भी इन्हीं दोनों कॉन्जुगेशन से बनी होती है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है और बॉडी के अंदर इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये कुछ ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है क्या क्या ये चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है। बाकी पिन पॉइंट करके कि ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होती है, जब भी हम चीज़ें जाते हैं पिन पॉइंट करके आते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे किस जगह पे, यानी ये आपका अगर सिलेबस यहाँ है ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, तो आपको याद होंगी ये ओवर ऊपर की चीज़ें सारी, अगर आपने तैयारी की है तो, नहीं की तो क्या कर सकते हैं, तैयारी की होगी तो आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें याद आती हैं, बीच में चीज़ें याद आती हैं, यहाँ से उठाते हैं बिल्कुल। ये चीज़ इस वाले मॉलिक्यूल का ये होगा तो इसका ये होगा तो इसका ये स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री ये होगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री आपस में इन्होंने बिटमर्ज करके दे दिए, आप ऑप्शन से इन्होंने दे दिया ए सी डी बी, फिर बी पहले आएगा डी पहले आएगा सी उसके बाद में आएगा ए उसके बाद में आएगा, इस तरह से ऑप्शन आते हैं। तो उसमें अपना जो है ना अपने दिमाग बनाना होता है, इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। इसी से आपका एप्टीट्यूड जज होता है, आपकी इंफॉर्मेशन इसमें इतनी काम की नहीं होती, इंफॉर्मेशन आप पूरी बुक करट्टा लगा के चले जाओ इतना ज़्यादा काम में नहीं आएगी। अब बदकिस्मत ये है आप मक्खी मारते हैं कि एप्टीट्यूड के अंदर सवाल तो एप्टीट्यूड वाला होता है लेकिन वो 20 साल पुराना चलता होता है, वो 20 साल पहले भी आया होगा, उस साल में भी आया होगा, उस साल में भी आया होगा, उस साल में हर साल वही चला, दो तीन साल के बाद वही बात है। जैसे एमसीक्यू बहुत अच्छा चैप्टर नंबर 6 या 7 है सेकेंड ईयर का, जिसमें अमीनो एसिड का सारा स्ट्रक्चर है और उसकी फॉर्मेशन है, प्रोटीन सेंसेस वगैरह पूरी इसमें चार्ट वगैरह बना हुआ था, उससे रिलेटेड एक डिजीज है। ठीक है, आई थिंक कलर ब्लाइंड जी, क्या हीमोफीलिया नहीं एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो है ना वो एक उसके अंदर वो तो वो है ना टॉप ऑफ द लाइन वाली चीज़ है, उसके अंदर से बताते हैं कि जो है ना जो वही बिल्कुल ग्लूटामिक एसिड और ये वाला, तो इसके ग्लाइसिन ग्लूटामिक एसिड वो नंबर आपको बता दें कि इस वाले नंबर पे ये होता है और ख़राबी इस वजह से होती है हीमोग्लोबिन के अंदर कि यहाँ पर ये वाला सीक्वेंस आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड का ग्लाइसिन का और इसका। ठीक है, जबकि इसकी जगह ये वाला आ जाता है, आपको बता देते हैं कि ये वाला क्रोमोसोम नंबर ये वाला और ये वाला फला फला, ये असल इसका जो वो है स्ट्रक्चर में ये पैटर्न है वो ये होना चाहिए
तो किसके लिए का ये हो जाता है, दूसरा वाला आ जाता है जिसकी वजह से सेल्स ख़राब हो जाते हैं। पूरा आपको बना के देंगे प्रॉपर, ये होगा। अब उसके बाद आपको आपको ये बताएंगे कि जो है ना इस वाले अमीनो एसिड का, तीन अमीनो एसिड्स होते हैं, इस वाले अमीनो एसिड का जो कोडॉन है ये इस वाले का, ये इस वाले का, ये इस वाले का, ये अब या तो इसका पूछ लेंगे एंटी कोडॉन क्या है, या तो इसका पूछ लेंगे कि डीएनए पर कोड क्या होगा, डीएनए का कोड पूछ के ये पूछ लेंगे। तो वही जो है ना कोई 6-7 साल से इसी सवाल घुमाएं चले जा रहे हैं, घुमाएं चले जा रहे हैं, घुमाएं चले जा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं वाकई में, लेकिन उसको दोबारा बार बार घुमाते हैं ना तो उससे बात खराब हो जाती है। सही है सर, प्रोटीन और बुक में देखे ना मैंने आज, अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे पास सेकेंड ईयर की बुक आ गई है। सारी बेसिक हो गई हमारी चैप्टर नंबर टू की। चैप्टर नंबर टू के बाद हमने देखना, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेंगे। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक एसिड होता है ना, अब न्यूक्लिक एसिड को पिन पॉइंट करके सवाल पूछेंगे कि न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किस चीज़ से हुआ था, किसी से हुआ था, फर्स्ट सेल से इसको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट सेल मतलब जो खराब है इम्यून सिस्टम के अंदर, ये चीज़ सारी फर्स्ट क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, सेल डेब्रिस होता है, कचरा होता है, वो सारा फर्स्ट फॉर्म हो जाता है उससे, ठीक है। फर्स्ट सेल से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, न्यूक्लिक एसिड को एक नई किस्म की उस टाइम तक एक समझा जाता था, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं और क्या है, प्रोटीन्स हैं और ठीक है। और बाकायदगी आ रही है, हर दफा आ रही है, ऐसा नहीं है कभी आ रही कभी नहीं आ रही, हर दफा आ रही है। तो इसको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बाद में फाइंड किया गया न्यूक्लियस के अंदर होता है और तो एसिडिक नेचर होती है, इस वजह से इसको ऐसे न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फोलिक एसिड का है, शुगर होगी। सेकंड पे क्या होगा, बेस होगी, ठीक। अभी नाइट्रोजन से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाएगी अमीनो एसिड के अंदर, वो समझ में आ गई क्या, नाइट्रोजन जहाँ आ जाए वो चीज क्या बन जाएगी, बेस किसी में जाएगी बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ, क्योंकि वो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा उससे मिलती है, तो नाइट्रोजन की वजह से बेस होती है शुगर। और ये एसिड बेस वाली बेस होती है, वो कोई वो नहीं होती जिसको आपको समझना कि कोई अलग चीज़ होती है,